चिमटा मारा था नीचे। हम आपको साक्षात बाबा बालकनाथ जी के दर्शन कि ये मेरी मनोकामना पूरी हो, वो वहाँ पे जाके वहाँ पे जो पुजारी होते हैं उनको बताते हैं कि ऐसे मकरे की अरदास वगैरह बोलते हैं, उसको अरदास करते हैं, फिर उनके ऊपर पानी सा गिरते हैं, अगर वो हिलते हैं, अपने जो दिल से मांगा था वो सफल हो चुका है। जी का प्रसाद है, इसको रोट बोलते हैं। तो ये बन रहे प्रसाद बाबा बालकनाथ जी का। कतार निकल गई थी, पहले रोटी वगैरह सारी निकल गई थी, फिर बाबा जी ने मनना शुरू कर दिया। छोटे बाबा वाले यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मुझे ये भी तोड़ना है सामने, इतना बड़े बड़े लग गए ये, पर बहुत ऊपर आई है। भैया को बोलूँगा तोड़ो, फिर निकलेंगे हम बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सामने से एक और लगा है वहाँ पे, पर ज़्यादा दूर है वो। वहाँ पे देख सकते हो आप कैसे लगे हैं, चढ़ने चढ़ने लगे। तो ये तो टूट गया, एक और है वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम चले हैं बाबा बालकनाथ जी। तो हम इस टाइम पहुँच गए हैं शुक्र खड पहुँच चुके हैं हम इस टाइम। तो देख सकते हो आप यहाँ पे पुल बहुत तगड़ा है। बाकी हमने आज अपनी राइड शुरू करी, हम पहुँच गए थे बोटा, कल हमने हमीरपुर घूमा और आज हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ दी ओर सिद्ध। तो आगे आपको दिखाते हैं। सीधा सीधा ये है पुलिस स्टेशन नौबरसर। शाहतलाई का बस स्टैंड और यही मार्केट है यहाँ पे, और यहाँ से जाता है बाबा बालकनाथ जी का रास्ता। तो हम चलते हैं आगे। तो पहुँच ही गए हैं हम एक तरह से यहाँ पे अब। तो सामने है पार्किंग, वहाँ पे हमने लगा दी अपनी बाइक और यहाँ से हम चले हैं पैदल यात्रा में। गेट नंबर 5। कृपया जेब कतरे से सावधान रहें। ओके लिखे वो देखो, कृपया जेब कतरों से सावधान। मिन्नो ना देखा फिर होना एक तरह। तो कराते हैं हम आपको साक्षात बाबा बालकनाथ जी के दर्शन। तो हम जा रहे हैं यहाँ से। तो इस बार इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि लगे हैं यहाँ पे श्राद्ध, इस करके भीड़ नहीं है इतनी, नहीं तो बहुत भीड़ होती है, नीचे तक गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों मैं गलत लाइन में चल गया था, वहाँ पे महिलाएं थी, पुरुष वाली ये है, ये वाली लेफ्ट साइड है महिलाओं की, और मैं अब महिलाओं वाले रास्ते में चल गया था, वापस आना पड़ा था। ये मेरे को आगे लेके गई, ये वाला महिलाओं के लिए बाढ़ दिया उन्होंने। ये है पुरुष वालों की लाइनें, मेंस। तो पहले इससे ज़्यादा लाइनें होती थी, नीचे तक लगना पड़ता था, बट अभी श्राद्ध चले हैं तो दर्शन जल्दी हो जाएंगे अभी। बाबा बालकनाथ जी के साक्षात दर्शन सामने वहाँ पे हैं। तो ऊपर है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर जहाँ पर, वहाँ पे सिक्योरिटी है तो वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हो दर्शन। महाकाली मंदिर के लिए वहाँ पे दर्शन, जो मेन जगह थी वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना सकते थे तो हमने बाहर से कर लिए दर्शन। तो ये बाबा बालकनाथ जी के दर्शन। बोल साचे दरबार की जय। उरे बारे दसो भैया कुछ, मतलब बाबा बालकनाथ बारे।
हिस्ट्री, मंदिर क्यों बना था ये? मंदिर भी बाबा जी ने तपस्या करी थी, वो बाबा बालक दे मतलब एक बालक छोटा जा, हाँ जी, उन्हें और तपस्या करी जिदे च एक माता ने उन्होंने रोटी दे 2000 साल जिद की माता ने आने वाले टाइम च उन्होंने सुनाता भी मैं तेन रोटी दी इदा उदा तो बाबा जी ने अपना चिमटा मारिया था थले तो वह की है रोटियाँ जिनी भी थी 2000 साल पहले दियाँ लस्सी की मतलब धार निकल गई थी हले रोटियाँ वगैरह सारी निकल गई थी फिर बाबा जी ने मनना शुरू कर बाबा जी सिद्ध है छोटे बाबा वाले का नाम जो नाम है बाबा वाले का हाँ गुफा भी है और बाकी उरे सीधे थले शांत लाई है जी बाबा जी का डेरा मतलब उरे ही डेरा मेन उनका डेरा यही होता था हाँ ये मेन डेरा बाबा जी मतलब मेन तो सामने आप देख सकते हो वहाँ पे हाँ फोटो दिखाई हमने आपको सेम ऐसे ही व्यू था मैंने भी थोड़ी उनकी वीडियो देखी थी उसमें समझा था तो आपने अभी भैया से सुनी यहाँ की हिस्ट्री ये मंदिर बाबा बालक नाथ जी का क्यों बना तो देख सकते हो बस ऐसा ही था नहीं वो जो बीच पेड़ के बीच में अच्छा ये रोटी है बीच में लस्सी अच्छा ये चिमटा मारा था नीचे ठीक है मतलब ऐसा ही व्यू था और ये शातलाई है हमारे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बिलासपुर भी यहाँ से पड़ जाता है साथ ही बट डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आता है बाबा जी का मंदिर बाबा बालकनाथ देवर सिद्ध तो प्यास लगी है वहाँ पे हनुमान जी के भक्त को बच्चों के बाल मुंडन यहाँ करवाएं तो मतलब जैसे बचपन में हम होते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं मुंडन भी यहाँ पे करवाया जाता है तो यहाँ पे जब श्रद्धालु ऊपर मथा टेक के आते हैं तो यहाँ पे जो इच्छा पूरी होती है उसके बारे में बताते हैं वैसे ही बकरों के ऊपर वो पानी गिरते हैं अगर जिसकी श्रद्धा पूरी हो जाती है तो बकरा एकदम से हिलते हैं वो सच्चे दरबार की तो यहाँ पे देख सकते हो बर्तन खुद धोए करा तो कभी करा तो कभी हेलो कुछ नहीं हुआ तो ये बन रहे प्रसाद बाबा बालकनाथ जी का बोलते हैं रोट तो ये रोट होता है बाबा बालकनाथ जी का प्रसाद है इसको रोट बोलते हैं जो कि बहुत टेस्टी होता है तो दर्शन कर लिए हमने अब यहाँ से निकलेंगे हम तो हम आगे का आपको व्यू दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में जय बाबे दी बालकनाथ जी के दर्शन से पहले हमें यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे हो गए गुरु महाराज बाबा श्री निर्मल नाथ बैरागी आश्रम अच्छा ये आश्रम है और ये है हमारे बाबा बालकनाथ जी अक्षास बाबा बालकनाथ जी के दर्शन देवोट सिद्ध डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर एक वहाँ पे लग चुकी है
तो ये आश्रम है, ये बाबा बालकनाथ जी हैं, और ये यहाँ पे एटीएम है, और यहाँ पे अरमान ब्रो है। करें आप यहाँ के दर्शन।